खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने सुंदरबन बाली ग्राम में रोजगार सृजन कार्यक्रम किया। हालांकि ये अविश्वसनीय सा लगता है कि सुंदरबन के बाली ग्राम की इन सदाबहार झाड़ियों में कुछ महीने पहले तक किसी भी सरकारी संगठन ने कभी भी यहां रह रही सैकड़ों बाघ पीड़ित विधवाओं के बारे में सुध लेने का प्रयास नहीं किया, जिनका की जीवन बाघों के पंजों के हमलों से घिरा हुआ था। पहली बार खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने नए मिशन के तहत उनके शारीरिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक दबाव, आजीविका में व्यवधान और खाद्य असुरक्षा के प्रभावों का अध्ययन किया और फिर इस द्वीप की बाघ पीड़ित गरीबी में जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं की आजीविका के लिए गांधीवादी चरखा एवं मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी बॉक्स के रूप में केवीआईसी ने उन्हें रोजगार सृजन कार्यक्रम की महत्वाकांक्षी योजना के तहत वितरित कर नया जीवन दिया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन श्री विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार दिनांक 19/9/2018 को यहां नव निर्मित कताई कार्य के लिए वर्कशेड का उद्घाटन किया एवं 75 चरखे तथा मधुमक्खियों सहित 500 मधुमक्खी बक्से वितरित करते हुए कहा कि ग्रामीण भारत के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को खादी और ग्रामोद्योग गतिविधियों के माध्यम से केवीआईसी ने प्रयास किया है एवं सुंदरबन के आइलैंड में SC/ST अल्पसंख्यक व अन्य बेरोजगार लोगों को ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से आय उपार्जन के स्रोत विकसित किए हैं, जिनमें की बाघ पीड़ित विधवाएं जो कि बाघ के हमले के शिकार के शोक में ग्रस्त थीं, जिसके परिणाम स्वरूप वो भेदभाव, समाज से वंचित व सामाजिक अस्वीकृति जैसे सांस्कृतिक कलंक के मानसिक व स्वास्थ्य पर प्रभाव से जूझ रही थी। चूंकि इस क्षेत्र के कई निवासी जब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगल में शहद एकत्र करने या पास की नदियां, तालाबों में मछली पकड़ने जाते थे, तब वे प्राय बाघ का शिकार हो जाते और बाद में वे आश्रित, असहाय जीवन यापन करने को मजबूर हो जाते थे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने पुनर्वास सिद्धांतों के अंतर्गत इसे प्रमुख कार्य के रूप में लेते हुए 2 अगस्त 2018 को प्रशिक्षण गतिविधियों को शुरू करने के लिए वहां 15 चरखे प्रदान किए थे और आज हम यहां बाघ प्रभावित खादी कताई केंद्र का शुभारंभ करते हुए 75 उच्च उत्पादन वाले 8 तकवा, 75 न्यू मॉडल चरखे और 500 मधुमक्खी बॉक्स मधुमक्खी कॉलोनी सहित उपलब्ध करवा रहे हैं। खादी का स्पिनिंग ट्रेनिंग लिया, काम भी कर रहा है, उसको अभी महीने में 5-6 हज़ार मिल रहा है। अभी जंगल में नहीं जा रहा है, अभी अच्छा सा संसार चल रहा है। सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मूल मंत्र दिया है, उसी कड़ी में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने उन जगहों पर रोजगार क्रिएट करने का प्रयास किया है जहां पर आज़ादी के 70 साल के बाद भी न कोई डेवलपमेंट हुआ था न ही कोई रोजगार क्रिएट हुआ। KVIC ने वेस्ट बंगाल के सुंदरबन इलाके में एक बाली आइलैंड को चुना और इस आइलैंड में जो महिलाएं जिन्हें बाघ विधवा कहा जाता है उन्हें चरखे पर ट्रेनिंग देकर, हनी मिशन की ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा है और आज 145 परिवार जो हैं इस आइलैंड के जो हैं सीधे रोजगार से जुड़ गए हैं और वो कम से कम 150 से 200 रुपए पर डे जो है कटाई से कमाना शुरू करेंगे। केवीआईसी द्वारा ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर उन्हें अपने मूल ग्राम में रहकर मधुमक्खी पालन कार्य एवं खादी कार्य अपनाए जाने का एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे कि उन्हें अपने परिवार की रोजी रोटी व आजीविका जुटाने के लिए सुंदरबन के गहरे जंगलों में शहद एकत्र करने अथवा गहरे पानी से मछली पकड़ने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा, जहां की वे बाघों और जहरीले सांपों का शिकार हो जाते थे। खादी कताई एवं प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थानीय खादी संस्था से जुड़ा हुआ है। हम ऐसे उपाय कर रहे हैं
जिससे कि बाघ के हमले से मानव मौतों का आंकड़ा शून्य हो जाए। इसे ध्यान में रखते हुए केवीआईसी ग्रामीणों को गांव में मधुमक्खी पालन एवं चरखा कताई व बुनाई के लिए सभी आवश्यक मदद करेगा, ताकि उन्हें अपने उद्यम के लिए जंगलों में दूर न भटकना पड़े।